वो एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि बेटा काम बड़े नहीं होते, कामों की नीयतें बड़ी होती हैं। हम समझते हैं कि ऊपर से बड़ा इंकलाब गिरेगा तो फिर हम काम करेंगे, या काम जिस शोबे का भी करते हो साथ में निस्बत रसूल की शामिल कर लो। तो एक सरे बाजार शख्स जय साइकिल के ऊपर छाबड़ी रखकर जब वो फ्रूट बेच रहा है तो कोई आके उससे एक किलो के पैसे देता है तो पूरी तसल्ली करके एक एक दाना जो है वो अच्छा डाल के देता है, और कोई दागी अगर हाथ में आता है तो उसको पीछे कर लेता है। क्यों? किसने कीमत मुझे पूरी देनी है? नहीं, वो तो हक बनता है जो कीमत पूरी दे रहा है उसे सौदा पूरा दिया जाए। लेकिन वो कहता है इसलिए कि जिनका मिलाद मैं मनाता हूं ये उनके उम्मतियों ने खाना है। तो फिर देखे काम कितना खूबसूरत हो जाएगा, ये इतना बड़ा वजीफा, इस पे खड़े होने का मिजाज पैदा करें। हुजूर की निस्बत, वो क्या मेरे शेख पढ़ा करते हैं, आप फरमाते हैं मुहम्मद की वसातत से ये मोहब्बत तेरी मेरी है, मुहम्मद की वसातत से ये मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल उनकी है ना तेरी है ना मेरी है। हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुशको तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। हुजूर की मोहब्बत का एहतराम करने का, हुजूर की निस्बत का एहतराम करने का। कल अगर हुजूर ने हशर के मैदान में पूछ लिया मेरा उम्मती तेरे दुकान पे खड़ा था और उसने तुझे बताया भी था कि मैं हुजूर का मानने वाला हूं, आपकी दुकान देखकर आया हूं, कोई गुजर रहा था तो वो बाजार से हमारी दुकान पे आ गया, उसने कहा जनाब सौदा तो आगे से खरीदते थे, खरीदो फरोख्त तो वहां से होती थी, लेकिन आज हुजूर का नाम जरी हरूफ में लिखा हुआ देखा तो उसी वक्त जो है वो जहन बन गया कि यार ये तो हुजूर के चाहने वालों की दुकान है, चलो आज के यहां से खरीदो फरोख्त करते हैं। तो हम बड़े खुश हुए कि चलो अब तो एतमाद बन गया, और हमने फिर रेट डबल कर लिया कि इसने कौन सा बहस करनी, ये तो पहले कायल हो चुका है हुजूर के नाम पर। तो फिर अगर हुजूर ने पूछ लिया मेरा उम्मती तेरी दुकान पे आया था, तूने मेरे उम्मती को भी माफ नहीं किया था, तूने मेरी उम्मती को धोखा दे दिया, तो हुजूर की उम्र, मेरे शेख फरमाया करते अगर मैं आपके बच्चों से प्यार करूं तो आपको अच्छा लगूंगा ना, आप मेरे बच्चों से प्यार करें तो मुझे अच्छे लगेंगे ना। तो जो हुजूर की गरीब उम्मत से प्यार करेगा वो अल्लाह के रसूल को कितना अच्छा लगेगा। काश हम इस बात के ऊपर खड़े हो जाएं, और ये इतना खूबसूरत वजीफा है, मैं समझता हूं ये हजार लोग बैठे हैं, आप हम सब ने सुबह उठकर अपनी दुकानों पे बैठना है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टेलर है, कोई टायर को पंक्चर लगाने वाला, मुआशरे का हम हिस्सा है। मैं कहता हूं अगर हम ये अहद कर लें कि जो हमारी दुकान पे सुबह आ रहा है वो कोई पराया नहीं, उसके हाथों में भी उनका दामन है जिनकी शफात पे हमारी निगाह लगी, उसको धोखा ना दो, उसको झूठ ना बोलो, उसको फरेब ना करो, उसे प्यार दो, मोहब्बत दो, उल्फत बांटो, उसके लिए आसानी का रास्ता खोलो। ये इतना खूबसूरत वजीफा है, ये इतना प्यारा वजीफा है कि इस वजीफे की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, इसको एक मरतबा करके तो देखें। आओ साहिबो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, उल्फत बांटो। मैं नहीं ये कहता कि आप हजारों फूल जो रास्ते में बखेर दें, आप फूल नहीं बखेर सकते, तो कम से कम कांटे बिछाने का मिजाज तो छोड़ दीजिए। आप फूल नहीं बखेर सकते, कोशिश करके कुछ कांटे कम करने की ही जिम्मेदारी कबूल कर लीजिए। आए उम्मत को जोड़कर उम्मत बनकर जीने का मिजाज पैदा करें। आज इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम डिस्टर्ब हैं और हमारा जो है वो माहौल कितना जो है वो नासाज हो गया है, तो इसकी बुनियादी वजह भी ये है कि हमने नीचे नाज करना तो सीखा है, हमने पीर, हमने निस्बत, हमने जो है वो मुल्क, हमने मिल्लत, इन चीजों पर तो नाज किया। ये सारी बरकतें अपनी जगह पर, लेकिन हमने मुसलमान बनकर जीने का अहद नहीं किया है। अगर अग्यार आए दिन कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं, और जो अमरीकी सदर का बयान आपने सुना उसकी वजह क्या है, अगर बहुत सारी वजूहत हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है, उसे बिखरे हुए लोग नजर आते हैं, उसको उम्मत रसूल नजर नहीं आती है। वरना जब हम उम्मत बन के जिया करते थे तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक ललकार भी काफी हुआ करती थी, लेकिन आज हम उम्मत नहीं रहे, हम बिखर के टुकड़ों में, फिरकों, ग्रोहों और जत्थों की सूरत में बट गए। आए उम्मत बनकर जीने का मिजाज पैरें, और जहां भी हो हुजूर के उम्मत की कदर करने का मिजाज पैदा करें। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सबका जारिया है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।